हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के आज के न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ डेली ब्लॉग वीडियो। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं डेली ब्लॉग वीडियो डेली लेके आती हूँ। तो आज सुबह मैं ना 7 बजे उठी हूँ, 7 बजे। अब मेरे उठते ही मेरी बेटी भी उठ गई है, तो उसके रहते हुए ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो भी झाड़ू लगाती है, मैं रोटी बनाती हूँ तो वो मेरा पीछे से ना स्वेटर खींचते रहती है, चलो मम्मा चलो मम्मा। तो देखते हैं सुबह अब काम कैसे होता है। आज ढेर सारा काम है घर में, सारा साफ़ सफाई भी करना है, क्योंकि सप्ताह में हर सप्ताह में एक दिन साफ़ सफाई ज़रूरी रहता है, घर गंदा हो जाता है, तो एक दिन पूरा घर अच्छे तरीके साफ़ सफाई होना ही चाहिए। तो आज मैं सोची हूँ कि घर का साफ़ सफाई करूँगी, पापा भी नहीं है तो उतना इस पापा वाले रूम को कम से कम एक रूम को निकाल दूँगी, साफ़ सफाई पूरा एकदम साफ़ से कर दूँगी। और किचन भी मुझे साफ़ करना है, किचन मैं डेली खाना बनाने के बाद अच्छे तरीके से पूरा पोंछती हूँ, गैस को धोती हूँ, उसके बाद पूरा किचन क्लीन करके उसके बाद मैं छोड़ती हूँ, सारा बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना किचन क्लीन रहता तो अच्छा लगता है। गंदा रहता ना, मुझे गंदा एकदम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे ना पूरा किचन में मतलब कुछ भी ना रहे, पूरा सिर्फ गैस रहे और सारा बर्तन सब धोया हुआ रहे, सारा क्लीन एकदम साफ रहे, तो मुझे खाना बनाने में भी अच्छा लगता है और काम भी करने में अच्छा लगता है। इसलिए मैं साफ़ सुथरा करके खाना बनाती हूँ और खाना बनाने के बाद भी साफ़ सुथरा करती हूँ। तो देखती हूँ आज का काम कैसे होता है। आज सोची तो हूँ बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम करना है, तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। जैसा रहेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को बताऊँगी दिखाऊँगी। तो चलते हैं झाड़ू देने सुबह सुबह। अभी मॉर्निंग का टाइम है, चाय पी चुकी हूँ चाय, जबकि आप लोग को पता है मैं सुबह सुबह डेली चाय पीती हूँ, तो मैंने चाय पी लिया है। अब मैं चलती हूँ झाड़ू देने, झाड़ू देने के बाद बर्तन सब साफ़ करना है, उसके बाद फिर चाय तो मेरी मम्मी सुबह सुबह बना लेती है तो मुझे भी दे देती है, और बर्तन साफ़ करना है, उसके बाद फिर खाना में लगूँगी, खाना बनाना है, तो उसके बाद मैं साफ़ सफ़ाई करूँगी। आज रील्स नहीं बनाना है क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम है, दिन भर काम है, तो आज रील्स नहीं बनाऊंगी या ना तो बना भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मौसम भी देख सकते हो आप लोग, मौसम इधर का ना बहुत ख़राब है। आज का मौसम हमने सोची थी कि अब तो गर्मी आ रहा है, अब तो धूप डेली डेली निकलेगा तब, लेकिन आज फिर से मौसम ख़राब कर दिया, पूरा मौसम धूप बादल की तरह किया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, एक मिनट देखो गाइस, पूरा ना धुंधला धुंधला किया हुआ है। तो सुबह से ही मौसम ख़राब है, तो आज मैं सोची थी बाल धोऊंगी, लेकिन मैं सोच रही थी ये भी कि मैं मेहंदी लगाऊंगी आज, मुझे लगाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। आप लोग को भी, बहुत सारे लोग को मेहंदी लगाना पसंद होता है, मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। मैं ना पहले स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं बहुत मेहंदी लगाती थी, मैं ना सप्ताह सप्ताह छूटता था तुरंत मेहंदी लगा लेती थी, मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मेहंदी लगाऊंगी, देखते हूँ टाइम बचता है तो लगाऊंगी, और नहीं टाइम बचेगा तो नहीं लगाऊंगी, जैसा भी रहेगा आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग वीडियो में। गोलू गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग राजा बेटा, बेटू बोल दो गुड मॉर्निंग। ऑलवेजी ठाकुर जी, विष्णु जी, ठाकुर जी, पानी नहीं, गुड मॉर्निंग बोल देगा चुमा लो। ये परी इनर हाई नेक पहनी है, परी हाई नेक पहनी है। गुड मॉर्निंग हमारे सोना बेटा, ओ हाय बोल दो तो हाय, बाय बोल दो तो बाय, कुछ नहीं बोलेगी परी, कुछ नहीं बोलेगी, परी गुच्छा है, परी मेरी गुच्छा है, गुच्छा 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 जल जाएगा, करो भूंजे जल जाएगा बेटा, चाय दूध बिस्किट खाइए गोलू, करो दूध बिस्किट, आइए यहाँ खड़ा रहेगी हमको पकड़ के, मम्मा को पकड़ के खड़ा लेती है, मम्मा का हाथ पकड़ेगी।
तो गाइस अब आप इससे देख सकते हो, जब भी मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाती हूँ ना, ये ऐसा ही करती है, मेरा भी झाड़ू ले लेती है और अपना झाड़ू लेके पूरा ना पूरा रूम, किचन, बरामदा सब जगह इधर से इधर से कर देती है। अब मैं उसे अच्छे तरीके से बैठाई हूँ खिलौना देके, अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, रूम को साफ करूंगी, सारा रूम, किचन। सुबह का टाइम है तो सुबह सबसे पहले ना काम रहता है झाड़ू लगाना, उसके बाद बर्तन सारा साफ करना रहता है। तो पहले तो मैं रूम को अच्छे तरीके से साफ करूंगी, तो रूम में मैं झाड़ू लगा। तो गाइज अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हो, अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और ढेर सारा प्यार देना, ताकि मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंचे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग का सारा रूटीन पूरा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं चली किचन। किचन में मुझे ना अपनी बेटी के लिए मतलब पकौड़ी बनाना था, वो ना पकौड़ी थोड़ा बहुत खाती है, तो रात को चना दाल फूलने के लिए दे दी थी। तो मैं सोची 5-10 को निकल जाएगा, तो मैं उससे पहले पीस लेती हूँ चना दाल को, और पीसने के बाद मैं पकौड़ी छानूंगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मैं ना उसमें ना पकौड़ी मतलब पकौड़ी के लिए सारा मतलब मिक्सी जार जार से निकाल के कटोरी में डाल लिया था, और उसमें थोड़ा सा प्याज कट करूंगी, मिर्ची नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चों को खाना है ना, बच्चों को मिर्ची पसंद नहीं होता है, मिर्ची से तीता लगेगा, इसलिए मैं उसमें नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा प्याज को महीन एकदम पीस काट के और उसमें ऐड करूंगी, और उसके बाद उसको छान के दूंगी, कम से कम घूमते फिरते थोड़ा बहुत खाएगी। तो उसी के लिए मैं इधर ना पकौड़ी छान रही थी, और इधर रोटी के लिए ना तवा चढ़ा हुआ था, मैंने भुंजिया बना लिया था, आलू गोभी का भुंजिया बना था, और रोटी बनाना था, नाश्ते में बनना था, और उसके बाद खाना का तैयारी चलेगा। तो पहले तो मैं रोटी बनाने के लिए इधर कर रही थी, और उधर पकौड़ी छानने के लिए, देख सकते हो आप लोग, उसके बाद देख सकते हो रोटी। अब मैं फटाक फटाक रोटी बनाऊंगी, और उसके बाद मम्मी के लिए खाना निकालूंगी, और मम्मी को नाश्ता दे दूंगी। मम्मी नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा परी को तेल लगा देगी, और उसके बाद परी अपना निश्चिंत होके मोबाइल देख के कुछ कुछ खाएगी, तब तक मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ये मम्मी के लिए ना खाना निकालने के लिए प्लेट निकाल रही हूँ, और प्लेट निकाली और उसमें मैं ना भुंजिया रोटी और पकौड़ी जो छानी थी परी के लिए वो 2 पीस दे दूंगी, और मम्मी उसके बाद नाश्ता करेगी। और उसके बाद ना मैंने ना अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, मैं ना खाना बनाने नाश्ता बना लेती हूँ ना, उसके बाद ब्रश करती हूँ जाके, क्योंकि ना ऐसे ब्रश मुझे शांति से परी करने ही नहीं देती है, वो मेरे पीछे पीछे ब्रश करने के लिए इधर से घूमती रहती है। तो मैं जब भी ब्रश करती हूँ तो वो मुझे तंग, परेशान, सब कुछ करना स्टार्ट कर देती है। तो मम्मी को मैंने नाश्ता दे दिया, अब मैं जल्दी से मतलब जो रोटी बचा हुआ है वो मैं बना लूंगी, उसके बाद फिर ना ब्रश करने चलूंगी, ब्रश करने के बाद ही लंच करूंगी, उसके बाद देखती हूँ आगे क्या क्या करना है। आप लोग अब देख सकते हो, अब मैं ना ब्रश करने चली, अब परी भी मुझे तंग करने के लिए आ गई, और उसके बाद मैंने ना एक ब्रश जो को, अब मैं किचन को अच्छे तरीके से पूरा क्लीन करूंगी, साफ करूंगी। पहले सबसे पहले तो मैं गैस को पोछती हूँ, गैस को पोछती हूँ, उसके बाद उसके नीचे पूरा जो कीड़ा रहता है ना, थोड़ा बहुत खाना जो बनता है गिरता है, वो सब मैं उसे ना अच्छे तरीके से साफ करती हूँ, और नहीं होता है ना तो जिससे मैं बर्तन साफ करती हूँ ना, उससे मैं उसको लगड़ के साफ करती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से क्लीन हो, और वहां जो टेल्स पे जो मतलब छिट्टा पड़ता है, सब्जी बनता है तो भुंजिया बनता है उसका छिट्टा पड़ता है, तो मैं उसे क्लीन करती हूँ, उसे साफ करती हूँ, उसके बाद ना पोछ के, उसके बाद मैं नीचे अच्छे से फिर से एक बार पानी से अच्छे तरीके से धो के, और उसके बाद मैं पोछती हूँ। अब मैं चली गाइस बर्तन को साफ करने, सारा बर्तन मैं एक जगह रख ली, सारा बर्तन इधर उधर जितना भी पड़ा रहता है ना, मैं सारा बर्तन ले आती हूँ, उसके बाद धोती हूँ। अब मैं चूल्हा का जो था ना वो भी गंदा हो जाता है, वो भी डेली धोआता है, तावा भी डेली धोआता है, तावा भी मैं धोती हूँ एक दो दिन करके, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा धो ही लूँ। तो वो अब मैं बर्तन सारा साफ करूंगी, उसके बाद फिर मुझे और भी अभी बहुत काम है। मैं कर रही हूँ जो गैस, जिस चीज से गैस को पोछा जाता है, या तो किचन में ना रोटी बनाने के काम आता है, जिसमें हम लोग रोटी रखते हैं बना के गरम गरम, ताकि वो ज्यादा देर तक गरम रहे। तो वो सब हम ना सर्फ में ना मतलब सर्फ में फूलने के लिए डाल दिए थे, गरम पानी में सर्फ डाल के फूलने के लिए डाले थे। अब वो धोआ रहा है, 2-3 था, तो तीनों को मैंने अच्छे तरीके से उसको ब्रश से साफ कर लिया, और उसके बाद उसको पसार दी थी धूप में, अच्छे तरीके से धूप लग जाए। मुझे सारा रूम का बेड को साफ कर, बेड सारा झाड़ना था सुबह के टाइम, तो आपको पता ही है सब लोग सो के उठते उसके बाद बेड को झाड़ा जाता है। तो अब मैं पापा वाला रूम का बेड झाड़ूंगी, और उसके बाद दो रूम है यहाँ पे, दो रूम है, एक बरामदा है, एक किचन है, तो दोनों रूम का बेड झड़ाएगा। तो इस रूम का मैं झाड़ रही थी, और उस रूम का शायद मम्मी झाड़ ली थी, तो ये मैं बेड झाड़ूंगी, बेड को अच्छे तरीके से क्लीन कर।
घर में जो ड्रेसिंग टेबल है ना गाइस, उसको भी ना मतलब साफ, उसका आईना भी ना एक बार गीला पानी से, एक बार सूखा, एक बार गीला पानी से उसे पोंछ के, उसका सूखा कपड़ा से उसको पोंछना चाहिए। साफ रहता है वैसे, अच्छा लगता है, फेस भी दिखता है क्लीन क्लीन, नहीं तो ना धुंधलाट पड़ जाता है, गंदगी मतलब लग जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं उसे क्लीन अच्छे तरीके से साफ कर रही हूँ, कपड़ा को पानी से मतलब पूरा गार गार के अच्छे तरीके, एक एक सारा मतलब मैं सारा सामान सब नीचे उतार के उसके बाद उसको अच्छे तरीके से क्लीन करके साफ करके पोंछी थी, क्योंकि गंदगी मतलब ना धूल पड़ गया था, धूल पड़ ही जाता है, सप्ताह 2 सप्ताह में ना धूल पड़ ही जाता है, तो सप्ताह 2 सप्ताह में साफ करना ही पड़ जाता है। और घर में तो ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत दिन भर अगर काम करो ना फिर भी काम खत्म होने का नाम तो नहीं गाइज लेते हैं। मैं आपको किचन का फाइनल लुक अब दिखाती हूँ, मेरा किचन कितना क्लीन लग रहा है। किचन जब साफ रहता है ना, उसके बाद ना किचन में चाय तक बनाने का मन नहीं करता, उसको फिर से गंदा करने का मन नहीं करता, कि गंदा हो जाने के बाद फिर उसको साफ करो, फिर वही सब काम दोबारा दोहराना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे किचन में ना चाय तक बनाने का मन नहीं करता जब किचन पूरा क्लीन। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलती हूँ फिर से आप लोग के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग वीडियो लेकर आती हूँ।